जहां तक ऐतिहासिक प्रश्नों और समय की बात है, तो बंकिम से पहले बंगला में एक अंग्रेजी में उपन्यास लिखा गया था जिसको बंकिम ने ही लिखा था, द राजमोहन लाइफ। उसके बाद अंग्रेजी के बाद फिर बंगला में आला लेर घरे दुलाल और एक ऐतिहासिक उपन्यास करके पुस्तक लिखी गई, जिसमें एक उपन्यास, एक कहानी और एक आलोचना थी। कहने का मतलब यह है कि मराठी और बंगला से होते हुए, और उससे पहले थोड़ा सा जाएंगे तो उर्दू में कुछ कहानियां और उपन्यास जैसी चीजें लिखी जाती, लेकिन पूर्ण रूप से ना तो उपन्यास था और ना ही कहानी था। तो समझने की यह बात है कि जब इस तरह की चीजें लिखी जा रही थी तो जो बदलाव हुए उन्हें उसमें शामिल किया गया। अब जो बदलाव शामिल हुए वो कौन से बदलाव थे जिन्होंने प्रेरित किया कि हिंदी में भी उपन्यास लिखे जाएं? सबसे पहले समझिए कि वह स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत का दौर था। हिंदी को भाषा के रूप में एक, मतलब हिंदी अभी पूरी तरह से भाषा के रूप में व्यवस्थित नहीं हुई थी, यानी एक बनती हुई भाषा का दौर था। अभी अनगढ़ रूप था भाषा का, एक क्षेत्रीय भाषा थी हिंदी, खड़ी बोली एक क्षेत्र विशेष की भाषा थी जो हिंदी के रूप में धीरे धीरे बन रही थी। और न सिर्फ हिंदी के रूप में बन रही थी बल्कि स्वाधीनता आंदोलन की भी भाषा बन रही थी, राष्ट्रीयता के राष्ट्रीय स्तर पर। उस भाषा में उपन्यास की जरूरत पड़ी। जाहिर सी बात है कि यूरोप में उपन्यास औद्योगिकरण के बाद आया, अन्य भाषाओं में भी उपन्यास लगभग ऐसे ही एक बदलाव को लेकर आया। और वो बदलाव कौन से थे? अब महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम आते हैं कि किन बदलावों ने उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। जो सबसे पहला उपन्यास हिंदी का लिखा गया, जिसे अगर सामयिक दृष्टि से स्वीकार करें तो भाग्यवती है। श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती लिखा। भाग्यवती का पूरा जो कंटेंट है वह किस रूप में है, कैसे है, यही वही चीज स्पष्ट कर देती है कि हिंदी में उपन्यास की जो शुरुआत हुई उसका प्रेरक तत्व कहाँ से मिला, उपन्यास की प्रेरणा कहाँ से मिली। सामाजिक बदलाव हो रहे थे, भारतीय समाज अपने तरह से बदलाव की तरफ अग्रसर था, बदल रहा था। उस बदलाव के बीच एक ऐसी विधा की जरूरत थी जो विधा हम सबकी बातों को हम सबकी भाषा में कह सके। यानी आधुनिक काल से पहले आपको पता है कि रीति काल में कविताएं लिखी जाती थी, और कविताएं भी हिंदी की, ज्यादातर कविताएं रीति काल की ब्रज भाषा में हैं या क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। अब समझिए कि एक नई भाषा, एक नई विधा, और बिल्कुल बदला हुआ समय, यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल चुकी थी, भारत के जो उद्योग थे वह लगभग बदल चुके थे, यानी जो भारत का समाज था वह नई दिशा में आगे बढ़ रहा था, या कहिए कि नई दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा था। प्रभावित कहाँ से हो रहा था, वह समाज कहाँ से प्रभावित हो रहा था? पश्चिमी शिक्षा के लिए भारत में तीन महत्वपूर्ण केंद्र बने, पहला बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा चेन्नई मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा बंबई प्रेसिडेंसी। यहां से जो शिक्षा, जिस तरह की शिक्षा और जिस तरह का साहित्य और जिस तरह का समाज आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं वो उसने हिंदी पट्टी को भी प्रभावित किया, या हिंदी पट्टी पर भी उसका प्रभाव पड़ा। उपन्यास मूलतः पश्चिमी विधा है। भारत में जो उपन्यास लिखे गए, मेरा मानना है वह ढांचा पश्चिम का है, लेकिन कंटेंट पूरी तरह भारतीय है। पश्चिम का जो कंटेंट था, एक आयनवाट की किताब है, हिंदी में उसका अनुवाद है उपन्यास का उदय, पश्चिम के उपन्यासों को लेकर लिखी गई किताब है। और एक उसी तरह की किताब है जार लुकाच की, उपन्यास के सिद्धांत। इन दोनों किताबों को का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से पश्चिम में उपन्यास का उदय हुआ, यानी नए तरह का समाज का गठन ही उपन्यास के जन्म का एकमात्र स्रोत माना गया। भारत में ऐसा नहीं था। भारत में कहानियों का एक लंबा इतिहास रहा है, किस्से, कहानियां, लोक कथाएं,
यानी लोक में जो कथाएं जीवित रहे, कुछ उसी तरह की कथाओं और उसी तरह की भाषा, उसी तरह की शब्दावली, उसी तरह के कंटेंट के साथ हिंदी में उपन्यास शुरू हुआ। तो एक तरह से समझिए कि हर सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव का के पक्षधर के रूप में उपन्यास की शुरुआत होती है हिंदी में। भाग्यवती क्योंकि पहला उपन्यास है, और सिर्फ भाग्यवती को न ले, भाग्यवती के साथ पांच उपन्यास है जिनको जोड़कर हम उस पूरे समय को समझ सकते हैं कि वह कौन सा समय था और उस समय में उपन्यास के को किन किन रूपों में किस तरह से शामिल किया गया या किस तरह से उपन्यासकारों ने चीजों को समेटा और उसे अभिव्यक्त किया। भाग्यवती के साथ दूसरा जो उपन्यास है वह निसहाय हिंदू है, परीक्षा गुरु और बामा शिक्षक, ये जो महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रारंभिक, इनको जब आप देखेंगे तो सभी उपन्यासों के विषय अलग अलग है, लेकिन केंद्र में क्या है, सभी उपन्यासों के केंद्र में क्या है, क्यों परीक्षा गुरु नाम पड़ा और क्यों परीक्षा गुरु लिखा गया, क्यों भाग्यवती लिखा गया, क्यों बामा शिक्षक लिखा गया, क्यों निसहाय हिंदू लिखा गया, आप समझिए इसको। जब इसके कंटेंट को और लेखकों के उद्देश्य को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उपन्यास वास्तव में किन चीजों को लेकर आगे बढ़ा। सबसे पहली बात जो इसमें आती है वह कि उस समय के सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करने में कहीं न कहीं कविता असमर्थ हो रही थी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि उस समय के सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करने में कविता लगभग असमर्थ हो रही थी, क्योंकि कविता की अपनी एक सीमा है। दूसरा कि कविता में कहने की भी एक सीमा है, कविता में सब कुछ नहीं कहा जा सकता, और जो कहा जाता है सिर्फ वही नहीं समझा जाता, उससे इतर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कविता में होती हैं। तो कविता को समझने के लिए, कविता को पढ़ने के लिए एक अलग तरह के दिमाग, अलग तरह के विचार की जरूरत होती है। गद्य के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए गद्य सीधे सीधे अपनी बात आप तक पहुंचाता है आपकी भाषा में, जो आप सोचते हैं उसी रूप में। यानी गद्य एक तरह से आपको आईना दिखाता है, सीधे सीधे आईना दिखाता है, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कहीं कोई बनावटीपन नहीं। और जिस चीज को लेकर प्रारंभिक उपन्यास लिखे गए वह उस समय का समाज था। हमें ध्यान होगा कि सामाजिक बदलाव और सांस्कृतिक बदलाव के अनेक आंदोलन चल रहे थे उस समय। ब्राह्मण समाज की स्थापना हो चुकी थी, प्रार्थना समाज की स्थापना हो चुकी थी, आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, और भी कई छोटे छोटे स्तर पर बदलाव हो रहे थे जिनका स्रोत लोक में मिलता है। अब समझिए कि ये बदलाव क्यों हो रहे थे, क्यों समाज बदल रहा था। अंग्रेजों के आने के बाद यानी मुगल काल की समाप्ति और अंग्रेजों का जैसे ही आधिपत्य भारत में हुआ तो बहुत सारी चीजें अंग्रेजों ने बदली अपनी सुविधा के लिए। ऐसा नहीं है कि वो भारत की सुविधा के लिए या भारत के विकास के लिए बदली गई, अपनी सुविधा के लिए। और अंग्रेजी शिक्षा जो शुरू हुई उसका मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों के लिए काम करने वाले लोग चाहिए, काम करने वाले लोग बनाना, अंग्रेजी शिक्षित लोग। लेकिन उसी के बीच भारत के जो लोग थे उन्होंने कुछ और भी देखा, कुछ और भी बदलाव के बिंदु दिखे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव उस समय सती प्रथा को लेकर हुआ आंदोलन था, यानी स्त्री शिक्षा को लेकर, सती प्रथा की समाप्ति को लेकर, विधवा विवाह को लेकर जो आंदोलन हुए उनका सीधा सीधा प्रभाव उस समय के साहित्य पर पड़ा। अंग्रेजों के अधीन भारत, अंग्रेजों के अधीन साहित्यकार, अंग्रेजों के अधीन रहते हुए ये सारी चीजें लिखी गई। तो दो तरह से इसके तीन बिंदु अब खुलते हैं, इसको समझिए। पहला कि जो सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे उनको साहित्य में जगह मिल रही थी। दूसरा कि स्वाधीनता आंदोलन का जो दौर शुरू हुआ उसे भी साहित्य में जगह मिल रही थी। और तीसरा कि एक बनती हुई भाषा हिंदी, मैं बार बार कहता हूं इसको कि बनती हुई भाषा थी, एक बनती हुई भाषा को भी उपन्यास कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहा था। अब हम समझेंगे कि इन उपन्यासों में ये कौन कौन सी चीजें आई
जिनका प्रभाव पड़ा। सबसे पहली बात कि भाग्यवती एक शिक्षा प्रद उपन्यास है, यानी शिक्षा, स्त्री शिक्षा को लेकर लिखा गया उपन्यास है। उसी तरह से बामा शिक्षक नाम ही है उसका, और परीक्षा गुरु भी शिक्षा पर लिखा गया है। आप समझिए, परीक्षा गुरु का मतलब वह परीक्षा जो गुरु जैसी हो, यानी परीक्षा ही गुरु है। एक व्यक्ति की उसमें परीक्षा होती है बहुत तरह से, वह व्यक्ति बहुत तरह के परीक्षाएं देता है। परीक्षा का मतलब बहुत तरह के जीवन में बदलावों को झेलता है, बदलावों से गुजरता है, और फिर अपने आप को खड़ा करता है, और जो पीछे की घटनाएं हो उसे सीख लेता है। परीक्षा का मतलब सीख लेना, सीख लेकर खड़ा होता है। अब समझिए कि ये तीनों जो उपन्यास है, भागवती, बामा शिक्षक और परीक्षा गुरु, इनको सम्मिलित रूप से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इन तीनों में शिक्षा की बात या परीक्षा की बात की गई है। भाग्यवती में पूरी तरह से स्त्री शिक्षा को केंद्रित किया गया है कि स्त्री को, क्योंकि उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें महिलाओं को घर के बाहर बहुत कम ही शिक्षा की जगह थी। हालांकि पुरुषों का भी कम ही थी, लेकिन उसमें भी महिलाओं को बहुत कम शिक्षा की व्यवस्था थी। ऐसे दौर में जब सामाजिक बदलाव हो रहा था, हो रहे थे, तो उसमें एक सुशिक्षित महिला की जरूरत थी, जिस उद्देश्य से लिखा गया था भाग्यवती। जहां तक बामा शिक्षक की बात है, तो बामा शिक्षक के लेखक है ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। बामा शिक्षक एक उर्दू उपन्यास की तर्ज पर लिखा गया उपन्यास था। बामा शिक्षक जब लिखा गया तो उससे पहले उर्दू में एक उपन्यास लिखा गया था जो स्त्रियों की शिक्षा, यानी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए लिखा गया था। और थोड़ा सा पहले आप जाएंगे दूसरी भाषाओं में, तो जैसा मैंने कहा कि यमुना पर्यटन नाम का उपन्यास मराठी में लिखा गया था, जो भारतीय साहित्य का पहला उपन्यास जिसे स्त्री समस्या या स्त्री शिक्षा को लेकर ही लिखा गया था। दुर्गेश नंदिनी और अन्य बंकिम के कई उपन्यास हैं जिसमें स्त्रियों की बात की गई है। पूरे भारतीय समाज को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मतलब सम्मिलित रूप से भारतीय समाज में स्त्रियों की चिंता केंद्र में आई थी। और जितने भी चिंतक, विचारक, समाज सेवी और बदलाव करने वाले लोग थे, वे इस ओर मुड़ रहे थे और इसकी चिंता कर रहे थे, जो साहित्य में देखने को मिला। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब सामाजिक यथार्थ की बात हम करते हैं, तो ये इन उपन्यासों को, एक और चीज आप समझ लीजिए आलोचनात्मक रूप से, कि हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों को बहुत सारे लोगों ने यथार्थवादी उपन्यास नहीं माना है। उनका मानना है कि यथार्थवादी उपन्यास की शुरुआत, जैसे दो किताबों का मैं जिक्र करूंगा इसमें, एक पुस्तक है हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, रामदर्श मिश्र की। उन्होंने शुरुआत ही उपन्यास की अपने तरीके से प्रेमचंद से करते हैं। प्रेमचंद से पहले के उपन्यासों को बहुत महत्व नहीं देते। दूसरी पुस्तक है हिंदी उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय की। उसमें गोपाल राय ने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रारंभिक उपन्यासों का उल्लेख किया है। न सिर्फ उल्लेख किया है, बल्कि उनके उनमें लिखी हुई कहानियों का, लिखे हुए तथ्यों का विवरण देकर उन पर बातचीत की है। तो 1877 में भाग्यवती प्रकाशित होता है और 1882 में परीक्षा गुरु। इस समय जो अरबामा शिक्षक, उससे थोड़ा सा पहले, उसके बाद निस्सहाय हिंदू। इन चारों उपन्यासों को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इनमें यथार्थ का वैसा स्वर नहीं होता है जैसा बाद के उपन्यासों में देखा गया, लेकिन आग्रह यथार्थ का ही है। ध्यान रखिए, यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति और यथार्थ के आग्रह की अभिव्यक्ति में कोई बहुत अंतर नहीं होता। उसका कारण क्या है कि ये उपन्यास बिखरे हुए उपन्यास है, यानी एक उपन्यास में कई तरह की बहुत सारी कहानियों को जल्दी 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 समेटा गया है। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि और भी उपन्यास हैं, जैसे बलवंत भूमिहार एक उपन्यास लिखा गया, एक काश्मीर पतन लिखा गया, एक किशोरीलाल गोस्वामी के बहुत सारे उपन्यास हैं, कमलिनी, कुमुदिनी, जिन उपन्यासों में यथार्थ का आग्रह है, यानी स्त्री समाज को शिक्षित करना, स्त्री समाज की चिंता करना, विधवाओं के प्रति अच्छे भाव रखना,
यानी विधवा विवाह को समर्थन देना, सब लगभग सभी उपन्यासों में इन सब चीजों को शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये सारे के सारे उपन्यास जो है ये यथार्थवादी आग्रह के उपन्यास हैं, यथार्थवादी आग्रह मैं कह रहा हूं। तो जो जिन उपन्यासों में उस समय की समस्याएं समस्याओं का उल्लेख हुआ है, उन उपन्यासों को यथार्थवादी आग्रह का उपन्यास कहा जाएगा। एक बात। दूसरी बात, निर्दहा हिंदू जो उपन्यास है, यहां से शुरुआत होती है स्वाधीनता आंदोलन की, और स्वाधीनता आंदोलन के कई पक्ष इन उपन्यासों में दिखते हैं। दिखता तो उसे परीक्षा गुरु में भी है, परीक्षा गुरु की भी व्याख्या जब की जाएगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष दिखेंगे जो स्वाधीनता आंदोलन से कहीं ना कहीं प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन वे स्वर मुखर नहीं है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास है उनमें यह स्वर मुखर नहीं है। एक दो उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा उसमें भी मुखर नहीं है, कहीं ना कहीं दबे हुए स्वर में। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि भारतेंदु ने जो कुछ भी लिखा उस समय उसमें अंग्रेजी राज का जिक्र किया है, अंग्रेजी राज का ठीक से उल्लेख किया है। तो अंग्रेजी राज के अधीन लिखना और बहुत मुखर लिखना कठिन था, तो मुखर ना होकर सांकेतिक अभिव्यक्ति इन उपन्यासों में मिलती है। उसी दौर में एक तो उपन्यास एक किसी बंग महिला के मिलते हैं, किसी महिला के मिलते हैं, नाम उनका स्पष्ट नहीं हो पाता। तो उन उपन्यासों में भी वही बात है कि बंगाल की जो स्थिति है उस स्थिति को उठाया जा रहा है, और विशेषकर स्त्रियों की स्थिति को। उसके बाद जब हम बढ़ते हैं तो उपन्यास का जो दूसरा और महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसके लिए जो पूरे भारत में बहुत प्रतिष्ठित हुआ, वह तिलिस्मी उपन्यासों का है। तिलिस्मी उपन्यासों को लोगों ने, खासकर उपन्यास के आलोचकों और इतिहासकारों ने, बड़े आराम से खारिज कर दिया कि ये उपन्यास साहित्य की कोटि में वैसे नहीं आते जैसे यथार्थवादी। उसका कारण यह था कि जब उपन्यास की आलोचना हुई, उपन्यास आलोचना एक विधा के रूप में जब स्थापित हुई, तो उस समय सभी आलोचकों के सामने प्रेमचंद थे। प्रेमचंद को सामने रखकर जब उपन्यास की आलोचना शुरू हुई तो जो कसौटी बनी वो प्रेमचंद बन गए, प्रेमचंद के उपन्यास बने। ठीक उसी तरह जैसे भक्ति काल या कविता की आलोचना जब हुई तो उस आलोचना की जो कसौटी थे वह गोस्वामी तुलसीदास थे। गोस्वामी तुलसीदास को सामने रखकर जो आलोचना हुई उस पर बहुत सारे कवि वैसे नहीं उतर पाए जो तुलसीदास। हर लेखक की, हर कवि की, हर रचनाकार की अपनी विशेषता होती है, वह किसी और के जैसा नहीं हो पाता। लेकिन आलोचक जब एक मानक तय करते हैं तो किसी न किसी बड़े साहित्यकार को सामने रखकर। यही कारण है कि प्रेमचंद से पहले के उपन्यासों की आलोचना या उपन्यासों की व्याख्या वैसी नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए। तिलिस्मी उपन्यासों पर एक निबंध लिखा था राजेंद्र यादव ने, वह निबंध पढ़ने योग्य है। वह उस निबंध का शीर्षक था दयनीय महानता की दिलचस्प दास्तान। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कोई भी साहित्य अपने समय से अछूता नहीं रहता। तिलिस्मी उपन्यासों के संदर्भ में भी यह बात कही जाती है कि तिलिस्मी उपन्यासों में भी किसी न किसी रूप में लेखक अपने समय के साथ उपस्थित होता है। वह भले ही एक तिलिस्म खड़ा करता है, लेकिन वह काल्पनिक तिलिस्म में भी यथार्थ का, सामयिक यथार्थ का कुछ न कुछ पुट छोड़ जाता है, जो यह बताने के लिए काफी होता है कि आप जिस समय में जी रहे हैं, जिस समय में हैं, उस समय में ऐसी भी चीजें होती थी। और आपको जानकारी होगी कि तिलिस्मी उपन्यासों को पढ़ने का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, और गैर हिंदी भाषी लोगों ने बड़े पैमाने पर हिंदी सीखा, और न सिर्फ हिंदी सीखा बल्कि सारे तिलिस्मी उपन्यास पढ़े। ये पूरा दौर है जो प्रेमचंद से पहले का है, यह हिंदी उपन्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जहां से प्रेमचंद शुरू करते हैं, यानी प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास आता है, उससे पहले प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे, उर्दू से हिंदी में आते थे। कहीं ना कहीं हिंदी की लोकप्रियता ने प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक को अपनी तरफ आकर्षित किया। अब आते हैं कि
नवजागरण के दौर में उपन्यास का जो कंटेंट है उसमें और कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? द्विवेदी युगीन में भी नवजागरण की चेतना महत्वपूर्ण हुई। नवजागरण आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़े होंगे कि नवजागरण क्या था, नवजागरण की शुरुआत कैसे हुई, नवजागरण का स्वरूप क्या था, क्यों उसको नवजागरण कहा गया या पुनर्जागरण कहा गया या पुनरुत्थान कहा गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी की एक टिप्पणी हमको याद आती है कि दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा को उन्होंने नवजागरण कहा है। कौन सी जाति संस्कृतियां थी जिसकी टकराहट हुई और नवजागरण की चेतना आई? एक तरफ पश्चिमी साहित्य था, साहित्य कह लीजिए या ये कह लीजिए कि पश्चिमी शासन व्यवस्था, और दूसरी तरफ भारतीय समाज। भारतीय समाज और शासन व्यवस्था के बीच जिस तरह की चीजें थी, उन दोनों के बीच से उस समय बहुत सारे बदलाव निकले, बदलाव हुए। उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए साहित्य पर बातचीत की जाती है। जहां तक उपन्यास के अन्य पक्षों की बात है तो उसमें बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती थी जिसमें धारावाहिक उपन्यास प्रकाशित होते थे, और कुछ जो महत्वपूर्ण साहित्यकार थे उस समय के, जैसे बालकृष्ण भट्ट, चौधरी नारायण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र, ये सारे लोग जिस तरह का उपन्यास लिख रहे थे या जिस तरह के का साहित्य लिख रहे थे, वह साहित्य कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रेरित करने वाला था और प्रेरणा स्रोत था। यानी सामाजिक बदलाव के जो बिंदु थे, सांस्कृतिक बदलाव के जो बिंदु थे, उन सभी को इन उपन्यासों में शामिल किया गया था। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने जब भाग्यवती लिखा तो उसका जो महत्वपूर्ण कंटेंट लिया वह बाल विवाह का विरोध था, विधवा विवाह का समर्थन, और अंग्रेजों को देखकर अंग्रेजी जीवन शैली यानी जो यूरोपियन जीवन शैली थी उस समय के लोग भी उसे स्वीकार कर रहे थे। परीक्षा गुरु पूरा का पूरा इसी पर है कि अंग्रेजों की तरह जीवन जीना और अपने अपनी कमाई, अपने परिवार की कमाई को दूसरों पर खर्च कर देना और फिर बिल्कुल सारा पैसा खर्च करके और एक बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच जाना। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने इस पर बहुत जोर दिया कि बाल विवाह का विरोध किया। भाग्यवती में बाल विवाह से उत्पन्न जो समस्याएं थी, जो खासकर महिलाओं को झेलनी पड़ती थी, उसका बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भाग्यवती में उल्लेख हुआ। दूसरा कि विधवा विवाह का समर्थन, तो यह सामाजिक यथार्थ था। यह दोनों जो समस्याएं थी जो भाग्यवती में उठाई गई, यह सामाजिक यथार्थ थी, यह समाज का सच था जिसे उसमें इस उपन्यास में उठाया गया। उसी तरह से बामा शिक्षक कि शिक्षित अगर महिलाएं नहीं होगी तो परिवार शिक्षित नहीं होगा, शिक्षित महिलाएं नहीं होगी तो परिवार का विकास नहीं होगा, परिवार का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा। तो स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए एक इस तरह का उपन्यास लिखा गया। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि जो स्वाधीनता आंदोलन था, स्वाधीनता आंदोलन में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो इन उपन्यासों में आई, विशेषकर किशोरीलाल गोस्वामी और उनके बाद के लेखक, यानी लाला श्रीनिवास दास के बाद के जो लेखक है उनमें, लाला श्रीनिवास दास से ही शुरू हो जाता है कि अंग्रेजों की जो जीवन शैली थी, अंग्रेजों का की जो शासन व्यवस्था थी, उसको कहीं ना कहीं भारतीय समाज ने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया साहित्य के माध्यम से, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए जो लेखक थे उसमें कविता में तो बहुत सारे मिलते हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, नरेश त्रिपाठी, अनेक लोग मिलते हैं। लेकिन हरिओध के भी कुछ उपन्यास थे, हरिओध ने भी एक दो उपन्यास, अधकिला फूल और कई उपन्यास उन्होंने लिखे, और उसमें भी उन्होंने बताने की कोशिश की कि
ये उपन्यास कैसे हैं और इनमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। हिंदी में जो उपन्यास लिखे गए उनमें राष्ट्रीयता की भावना और सामाजिक यथार्थ दोनों का समन्वित रूप हमें दिखाई देता है। यानी प्रेमचंद जिस यथार्थवादी पृष्ठभूमि पर लिखना शुरू करते हैं उस यथार्थवादी पृष्ठभूमि पर जिन जो यथार्थवादी पृष्ठभूमि तैयार हुई उसमें इन्हीं लेखकों का योगदान है। यानी बामा भाग्यवती से शुरू होकर और कश्मीर पतन तक, कश्मीर पतन प्रेमचंद के ठीक पहले का उपन्यास है और कश्मीर की अनेक तरह की समस्याओं का उल्लेख उस उपन्यास में किया गया है। सिर्फ कश्मीर पतन ही नहीं, कश्मीर पतन के अलावा अन्य भी बहुत सारे उपन्यास हैं जिनमें सामाजिक यथार्थ और समय के यथार्थ की बात होती है। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इन उपन्यासों के, हम इसको समझ लेते हैं कि हिंदी उपन्यास में जो महत्वपूर्ण पक्ष आए, उभर कर आए हैं उस दौर में, ये कौन कौन से। सबसे बड़ा जो औपन्यासिक पक्ष है उस दौर का वह तिलिस्मी उपन्यास है, तिलिस्म है। यानी तिलिस्म एक रोचकता है साहित्य के प्रति। अगर तिलिस्म उपन्यास नहीं लिखे जाते, अगर आज हम के समय में हम उसे समझने की कोशिश करें कि अगर तिलिस्म उपन्यास नहीं लिखे गए होते तो हिंदी उपन्यास को जो लोकप्रियता मिली, हिंदी को जो लोकप्रियता मिली, हिंदी भाषा को जो लोकप्रियता मिली वह शायद नहीं मिल पाती, और जिस रूप में मिली है उस रूप में भी नहीं मिल पाती। तो हमें समझने की जरूरत है कि हिंदी उपन्यास जिस तरह से लोकप्रिय हुआ उसका एकमात्र कारण यही था। दूसरी चीज कि नवजागरण कालीन जो चेतना थी उस चेतना को न सिर्फ कविता में, नाटक में, कहानी में, निबंधों में, बल्कि उपन्यास में भी वैसी ही जगह मिली जैसी अन्य विधाओं में मिली। एक तरफ निबंध लिखे जा रहे थे, हमें पता है कि भारतेंदु मंडल किस तरह का निबंध लिख रहा था, उसके बाद द्विवेदी युगीन निबंध किस तरह के लिखे गए, उसके अलावा नाटक का भी दौर हमको पता है। ये प्रारंभिक उपन्यासों में अब हम महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं की तरफ चलते हैं कि जो उपन्यास लिखे गए उसमें और कौन कौन सी चीजें थी। तो जब हम उसको बिंदुवार देखते हैं तो सबसे पहली बात जो आती है वह यथार्थ, दूसरी स्वाधीनता आंदोलन, तीसरा और महत्वपूर्ण पक्ष है भाषा का, भाषा और शिल्प का। प्रारंभिक उपन्यासों की भाषा बहुत अनगढ़ किस्म की भाषा है। अनगढ़ किस्म से आप समझिए कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी उसी भाषा में लिखा गया, उसी भाषा में उपन्यास लिखे गए और उसी भाषा को उपन्यास बनाने की कोशिश हुई। अब आप समझिए कि एक अनगढ़ भाषा में ठीक ठीक कहानी को कैसे लिखा जाएगा। जब आप उस समय के उपन्यासों को पढ़ेंगे, परीक्षा गुरु को पढ़ेंगे, भाग्यवती को पढ़ेंगे, बामा शिक्षक को पढ़ेंगे, या कमलनी कुमुदिनी को पढ़ेंगे, या बलवंत भूमिहार को, किसी भी उपन्यास को, तो उसकी जो भाषा है वो बहुत एक तरह से लगता है जैसे लोक भाषा में लिखा जा रहा है। यानी व्यवस्थित व्याकरणिक स्वरूप भाषा को द्विवेदी युग में मिलता है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, द्विवेदी युग में। उससे पहले एक ऐसी भाषा जिसमें उस समय की कहानी लिखी जा रही हो, जरूरी नहीं है कि लेखक की सारी बातें जो कहना चाह रहा है वो भाषा भी उसे स्पष्ट करने में दक्ष हो। एक एक प्रश्न यह भी है इसमें समझ लेना कि खड़ी बोली उस समय के लेखकों के का जो लेखन था, जो उनका विचार था, उसे अभिव्यक्त करने में वैसी दक्ष नहीं थी
जैसी अन्य लोक बोलियां थी, क्योंकि खड़ी बोली का उत्थान अभी हो रहा था, खड़ी बोली का स्वरूप अभी बन रहा था। बंगला एक मेच्योर भाषा बन चुकी थी, उसी तरह से मराठी मेच्योर थी, बहुत पहले से उसमें लिखा पढ़ा जा रहा था। लेकिन गद्य के लिए जैसी भाषा की जरूरत थी वैसी भाषा नहीं थी हिंदी में, मतलब हिंदी वैसी भाषा नहीं बन पाई थी। इसीलिए इन उपन्यासों पर आलोचकों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्वरूप में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये उपन्यास हमें प्रभावित करते हैं और हमें उस समय के समाज को समझने की दृष्टि देते हैं। ना सिर्फ दृष्टि देते हैं बल्कि उस समय की अनेक समस्याओं से, उस समय के अनेक आंदोलनों से, उस समय के अनेक वैचारिक सरणियों से हमें जोड़ते हैं और हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उस समय के समाज को अगर समझना हो, एक पुस्तक का जिक्र करना मैं उचित समझूंगा, वीर भारत तलवार की रस्साकस्सी। रस्साकस्सी हालांकि एक नकारात्मक भाव से लिखी गई पुस्तक है, मैं फिर कह रहा हूं, नकारात्मक भाव से लिखी गई पुस्तक है। उस पुस्तक को सुनियोजित तरीके से पूरे के पूरे नवजागरण आंदोलन को एक तरह से धूसरित करने के लिए लिखा गया है, प्रोजेक्ट है। बावजूद इसके जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उस पुस्तक में वीर भारत तलवार ने उठाया है, अनायास, आयास तो उन्होंने नहीं उठाया है, उनसे हमको पता चलता है कि सामयिक बदलाव के कितने पक्ष थे और उन पक्षों के आधार पर अगर हम उपन्यासों की व्याख्या करते हैं तो हम पाते हैं कि उस दौर में जो कहानियां थी, जो कथा थी, वह पहले की कथाओं से अधिक सशक्त होकर आ रही थी। यानी आप बहुत पीछे जाएंगे तो बहुत सारी लोक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां, चेपक कथाएं, यानी कथा की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, कोई पहली नहीं। लेकिन लिखित कहानियां जो उपन्यास में के रूप में बड़ी कहानियां आई और उपन्यास में वो छोटे छोटे लिखे गए, आज कल की कहानियां उससे लंबी हो जाती हैं। लेकिन विषय का जो विवेचन था, विषय की जो गंभीरता थी, वह कहीं ना कहीं उपन्यासों को महत्वपूर्ण बनाती है। एक ऐसा दौर जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, एक ऐसा दौर जब स्त्रियों से जुड़ी हुई समस्याओं पर बोलने से लोग बचते थे, वैसे में अगर सीधे सीधे स्त्री शिक्षा, स्त्री चेतना के लिए अगर बात की जाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक और छोटी सी बात इसमें जोड़ दूं, निसहाय हिंदू पहला उपन्यास है जिसमें सांप्रदायिकता को लेकर कुछ बातें की गई, पहला सांप्रदायिकता को लेकर लिखा गया उपन्यास है। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम पक्षधरता और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई वहां भी है और जिसके केंद्र में गाय है। जो गाय आज है वही गाय उस समय भी थी, पहला वह उपन्यास है। आप समझिए कि जो समाज था, जो समाज की स्थिति थी, जो समाज की बनावट थी, उस बनावट को सीधे सीधे उपन्यासों ने, उपन्यासकारों ने आत्मसात किया। न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि उसे उसी रूप में हमारे सामने रखा। एक छोटी सी और चीज बता दूं कि आलोचकों ने इस दौर के उपन्यासों पर एक आरोप लगाया कि ये इस दौर का उपन्यास नवजागरण की चेतना से प्रभावित होने के कारण आदर्शवादी है। अब आप समझ लीजिए कि आदर्श और यथार्थ में क्या अंतर है उपन्यास के संदर्भ में। आदर्शवादी कहना ठीक है, आदर्शवादी है, ये उपन्यास आदर्शवादी है, लेकिन क्या आदर्श में भी यथार्थ नहीं होता? क्या यथार्थ कोई व्यक्ति बना बनाया ठोस रूप है जिसको कहेंगे कि यही है तो यथार्थ है, नहीं तो नहीं है? यथार्थ बिखराव में भी यथार्थ है। यथार्थ का मतलब सिर्फ नकारात्मक चीजों को शामिल कर लेना ही यथार्थ नहीं होता। नकारात्मक भाव से समाज में ये नहीं है, समाज में ये नहीं है, समाज में ऐसा नहीं है, यह यथार्थ नहीं है। यथार्थ चाहे अनचाहे, दृश्य अदृश्य, हर रूप में हमारे सामने विद्यमान रहता है। इन उपन्यासों में भी वही चीज है कि आदर्श के साथ यथार्थ है। प्रेमचंद के उपन्यास को आदर्शोन्मुख यथार्थ कहा गया है, जबकि आदर्श है, वहां भी आदर्श है। वो आदर्शोन्मुख यथार्थ जिसको कहा गया, यानी सेवा सदन वही नहीं है जो गोदान है, रंग भूमि वही नहीं है जो कर्म भूमि है। तो सेवा सदन से शुरुआत हुई यात्रा जब गोदान तक पहुंचती है
तो प्रेमचंद के उपन्यास लिखने की, प्रेमचंद की कथा लिखने की जो शक्ल है वो बदल जाती है। सवा शेर गेहूं बूढ़ी काकी और कफन में जमीन आसमान का फर्क है। यानी जब कोई भी विधा, कोई भी साहित्यकार जब एक लंबे समय तक यात्रा करता है, साहित्यिक यात्रा करता है, तो उसका लेखन उसके अनुभवों से प्रभावित होता है। उपन्यास को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि जिस नवजागरण की चेतना के साथ उपन्यास, हिंदी में उपन्यास लेखन की शुरुआत हुई थी, वह नवजागरण की जो चेतना है वह जो चेतना है वह कहीं ना कहीं बिखरे हुए रूप में आई है, बाद में वही सशक्त रूप में आई है। उसी ठीक वैसे ही जैसे उस समय की जो कविताएं हैं, उस समय की कविताएं जिस तरह से लिखी गई बिखरी हुई, वैसे ही कविताएं मैत्री सरगुप्त या शहर श्याम सरगुप्त की नहीं है, वैसे ही कविताएं जयशंकर प्रसाद की नहीं है। उस समय के जो नाटक हैं, आप देखेंगे कि जैसे नाटक भारतेंदु मंडल के द्वारा लिखे गए, भारतेंदु के समय में लिखे गए या उसके बाद लिखे गए, वही नाटक जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखे। तो हमें यह समझना है कि जैसे जैसे भाषा मजबूत हुई है, वैसे वैसे विचार सशक्त हुए हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जैसे जैसे हिंदी भाषा मजबूत हुई है, वैसे वैसे साहित्यिक विचार सशक्त हुए हैं। यानी वैचारिक सशक्तता जो है, वैचारिक शक्ति जो है, मजबूती जो है, वह भाषा की मजबूती के साथ ही आगे बढ़ी है, तभी उपन्यास प्रौढ़ हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रौढ़ हुए हैं। प्रारंभिक उपन्यासों के संदर्भ में सबसे जरूरी चीज समझ लीजिए कि प्रारंभिक उपन्यासों में, एक उपन्यास में कई तरह की बहुत तेजी से कहानियां चलती हैं, बहुत सारी कहानियां चलती हैं। ऐसा लगता है जैसे लेखक एक ही उपन्यास में सारी कहानियों को समेटने के चक्कर में, या समेट देना चाहता है, या उसकी इच्छा है कि इस उपन्यास में वो सारी समस्याएं समाज किया जाए जो समाज में है। यही कारण है कि यह उपन्यास बिखर जाते हैं, उपन्यास बधे नहीं रहते, उपन्यास बिखर जाते हैं। लेकिन बिखरा हुआ भी उपन्यास उस समय का के यथार्थ को अभिव्यक्त करता है, हमारे सामने रखता है। अब कितने तरह के उपन्यास लिखे गए इस दौर में, इसको समझ लीजिए। सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास, राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित उपन्यास, तिलिस्मी अय्यारी पर लिखे गए उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास। अब सबसे अंत में ऐतिहासिक उपन्यासों पर मैं बात करना चाहूंगा कि ऐतिहासिक उपन्यास क्या है। देखिए, फिर पुरानी बात दोहरा रहा हूं कि नवजागरण का दौर था, तो नवजागरण का जो दौर था वह बहुत सारे पुरानी चीजों को फिर से सजोकर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही थी। उसी तरह से हिंदी में उपन्यासों में उन पुरानी कहानियों को उठाया गया जो हमारे स्वर्णिम अतीत की याद दिलाती थी और जिनसे हम प्रेरित होते थे। इसमें महत्वपूर्ण नाम जुगल किशोर का है और जयराम दास गुप्त का है। जुगल किशोर और जयराम दास, जुगल किशोर का जो उपन्यास है वह राजपूत रौड़ी और जयराम दास गुप्त का कश्मीर पतन। यह कश्मीर पतन लिखा गया तो कश्मीर, जो पुराना कश्मीर था, जिस स्वर्णिम इतिहास के लिए कश्मीर जाना जाता था, जयराम दास गुप्त ने उसी स्वर्णिम अतीत को नए कश्मीर के साथ तुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया। जैसे आप जयशंकर प्रसाद के नाटकों को पढ़ेंगे तो उसमें जिस तरह का अतीत चित्रित होता है और वर्तमान को प्रेरित करता है, ठीक वैसे ही ऐतिहासिक उपन्यास हिंदी में उस दौर में लिखे गए। विशेषकर मुगल काल में जिस तरह से भारत विखंडित हुआ, भारतीय समाज विखंडित हुआ, भारतीय समाज प्रभावित हुआ, उस मुगल काल से पहले का जो समाज था उसकी, उसका उल्लेख करते हुए इन उपन्यासों ने अपने समय के यथार्थ को न सिर्फ अभिव्यक्त किया बल्कि आगे के लिए प्रेरणादायक कुछ बातें भी लिखे। उपन्यासकारों की कोशिश थी कि हमारा जो अतीत है वह वर्तमान को जगाए, यानी हम प्रेरित हों उससे, और ऐतिहासिक उपन्यासों ने बखूबी यह काम किया।
राजपूत रमणी भी कुछ वैसा ही है। राजपूत रमणी में जिस कथा को उठाया गया है वह ऐसी ही कथा है जो प्रेरित करती है और अपने अतीत मजबूत अतीत की याद दिलाती है। उसके बाद एक उपन्यास और है किशोरीलाल गोस्वामी का तारा, जो अब आप समझ लीजिए कि पर्दा प्रथा की शुरुआत भारत में कब हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई, क्या भारतीय समाज में भी पर्दा प्रथा की वैसी ही जगह थी जैसे इस्लाम में थी, और इस्लाम के आने के बाद वह कैसे प्रभावित हुई, किस तरह से प्रभावित हुई, इसका वर्णन तारा में किशोरीलाल गोस्वामी ने बहुत ही सजग तरीके से किया है और दिखाया है कि वास्तव में भारत में मातृसत्ता और पितृसत्ता के बीच कैसा संबंध था और मुगल काल के बाद यह संबंध किस तरह से बदला और कैसा हुआ। उसके बाद तिलिस्मी का मैंने जिक्र किया था, तो तिलिस्मी उपन्यासकारों में सबसे बड़े उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री हैं, जिन्होंने चंद्रकांता 4 भाग और चंद्रकांता संतति 24 भाग में लिखा। उसके बाद उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने कुछ लिखा और गोपाल राम गहमरी ने, ये मुख्य रूप से तिलिस्मी उपन्यासकार थे जिन्होंने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी, न सिर्फ दिशा दी बल्कि पूरे भारतीय उपन्यास में एक अलग तरह की अपनी छाप छोड़ी और एक अलग तरह की अपनी पहचान बनाई। तो अब मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा कि नवजागरण के दौर में उपन्यास जो उपन्यास लिखे गए उसको समझिए कि यथार्थ से प्रभावित उपन्यास लिखे गए, तिलिस्म से प्रभावित उपन्यास लिखे गए, स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित उपन्यास लिखे गए, नवजागरण चेतना से प्रभावित उपन्यास लिखे गए, स्त्री शिक्षा स्त्री सशक्तिकरण पर आधारित उपन्यास लिखे गए, सामाजिक एकरूपता पर उपन्यास लिखे गए और सामाजिक बदलाव के जितने भी पक्ष हो सकते हैं उन सभी पक्षों को उस समय के उपन्यासों में जगह मिली। और अंतिम बात कि पूरे के पूरे जब उस परिवेश को हम समझते हैं तो वह परिवेश कहीं ना कहीं इन उपन्यासों में उभर कर हमारे सामने आता है। धन्यवाद। अब आप सबके सवाल आमंत्रित हैं। धन्यवाद सर। पहली चीज, आपकी कक्षा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने उपन्यास ही नहीं, आपने नवजागरण अवधारणा को जिस प्रकार समझाया, विद्यार्थियों की नहीं साथ ही साथ मेरे भी ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न अपनी ओर से, विद्यार्थियों के प्रश्न में से एक प्रश्न उठाते हुए उसमें अपने प्रश्न भी जोड़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा। जब हम उपन्यास की बात करते हैं या उपन्यास के आरंभ की बात करते हैं तो उपन्यास को लेकर के बहुत सारे विद्वानों में प्राय मत रहे हैं, मतभेद रहे हैं, अलग अलग बातें की हैं। दो चीजें निकल के आती है। एक डॉक्टर श्यामचंदर जी ने कहा था कि उपन्यास जो है वो मानव के वास्तविक जीवन की कल्पना है, वास्तविक जीवन की कल्पना। वही प्रेमचंद उसके बारे में कहते हैं कि मानव जो है वो मानव उपन्यास जो है मानव जीवन का चित्र है, यथार्थ चित्र। तो उपन्यास को अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो उपन्यास को हम लोग एक तरह से कल्पना माने मानव जीवन की, या मानव जीवन का यथार्थ माने जिसे पूरा का पूरा उसमें उठा के रख दिया गया है। ठीक है, मैं इसका जवाब दे लूं तब आप सवाल करेंगे और या सारे सवाल अभी कर लेंगे? नहीं नहीं आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा याद दिलाया अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक उपन्यास में मेरे ध्यान में नहीं आया और मेरे नोट्स से भी पता नहीं कैसे छूट गया था, जबकि छूटना नहीं चाहिए। उसका नाम है श्यामा स्वप्न, जगमोहन सिंह ठाकुर जगनमोहन सिंह ने लिखा था श्यामा स्वप्न। और श्यामा स्वप्न की जब हम बात करते हैं, और मुझे जहां तक ध्यान है श्याम सुंदर दास ने श्यामा स्वप्न के संदर्भ में ही यह बात कही थी, ठीक है, कि कल्पना और यथार्थ की बात। जब आप देखिए उपन्यास साहित्य की स्पष्ट तौर पर यथार्थवादी विधा है, मैं ऐसा मानता हूं, और कल्पना से, बिना कल्पना के कोई साहित्य लिखा नहीं जा सकता।
कल्पना जो है वह साहित्य का आधार बिंदु है, समझ रहे हैं? कल्पना साहित्य का आधार बिंदु है और यथार्थ साहित्य का उत्थान है। तो इसको अलग कर देना कि उपन्यास बिना कल्पना के लिखा जाएगा या कल्पना उपन्यास है या उपन्यास कल्पना है, थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगा। बिना यथार्थ, देखिए उपन्यास लेखन ही यथार्थवादी आग्रह के साथ शुरू होता है। बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं जो मनोविश्लेषणवादी हैं बाद के दौर के, जिन पर यह आरोप लगा, खासकर जैनेन्द्र के उपन्यासों को लेकर और अज्ञेय के उपन्यासों को लेकर, कि इन उपन्यासों में यथार्थ का वैसा आग्रह नहीं है, कुछ फैंटेसी लिखी गई उपन्यासों में, उसको लेकर भी ऐसी बातें हुई हैं। लेकिन समझिए मैं इसको कैसे समझा रहा हूं, कि जब साहित्यकार या उपन्यासकार समाज से अपना विषय उठाता है तो वह कल्पना के चरित्र खड़ा करता है, लेकिन जब वह समाज में घुसता है और संबंधों की बात करता है तो कल्पना के चरित्रों के जो संबंध होते हैं वह यथार्थ से जुड़ जाते हैं, यानी सामयिक यथार्थ से। तो जो सामयिक यथार्थ है वही उस कल्पना को यथार्थ में बदल देता है और फिर वह चरित्र, काल्पनिक चरित्र, यथार्थवादी चरित्र के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद भैया। आपने जैसे फैंटेसी की बात की तो मैं दूसरा प्रश्न उसी से उठाऊंगा, एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया है, वो लिखते हैं कि फैंटेसी की अभिव्यक्ति उपन्यास में किस प्रकार से आई या फैंटेसी उपन्यास में किस प्रकार से आया, इस पे थोड़ा समझाते हैं। विद्यार्थी का प्रश्न है कि उपन्यास में फैंटेसी का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए फैंटेसी का जो आगमन हुआ उपन्यास में वो प्रेमचंद के बाद के दौर में हुआ है, और मैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जो मैंने समझा है कि फैंटेसी भी उपन्यास के यथार्थवादी स्वरूप को ही कहने की एक विधा है। आप समझिए कि जब आप कोई पीछे का चरित्र उठाते हैं या खड़ा करते हैं तो उस चरित्र का कोई ना कोई तो यथार्थ होगा ना। दूसरा कि उपन्यास एक विस्तृत विधा है, उसमें बहुत सारे चरित्र होते हैं, बहुत तरह का परिवेश होता है, बहुत तरह का संयोजन होता है। तो कई आलोचकों ने भी कहा है और मैं भी इसको कह रहा हूं, जिसको लुकास ने भी कहा था, कि लेखक किसी न किसी रूप में, चाहे वो फैंटेसी हो, चाहे मनोविश्लेषणवाद हो, चाहे वह नितांत काल्पनिक चीजें हो, लेकिन लेखक की उपस्थिति होती है किसी न किसी चरित्र के साथ, किसी न किसी परिवेश के साथ, किसी न किसी पात्र के साथ। जैसे ही लेखक उपस्थित होता है उपन्यास में, वह उपन्यास यथार्थवादी हो जाता है। तो फैंटेसी में भी यथार्थ की गुंजाइश है। जब तिलकी उपन्यासों में यथार्थ की बात की, प्रदीप सक्सेना और राजेंद्र यादव दोनों ने अपने अपने तरीके से की, हालांकि प्रदीप सक्सेना ने मार्क्सवादी आग्रह के साथ किया, तो फिर फैंटेसी में भी यथार्थ की शुरुआत हुई, लेकिन बहुत कम उपन्यास फैंटेसी के लिखे गए हिंदी में, जहां तक मुझे याद है। जी सर, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। एक प्रश्न और इसी में मैं जोड़ता हूँ, एक विद्यार्थी ने लिखा है, वो पूछते हैं हिंदी नवजागरण के उपन्यास कौन कौन से हैं? शुरुआती उपन्यास जो भी लिखे गए, देखिए नवजागरण की जो चेतना है ना, कहीं ना कहीं साहित्यकारों के मन में, मन मस्तिष्क में, अवांतर में वो थी। भाग्यवती एक ऐसा उपन्यास है जो सीधे सीधे नवजागरण की जो चेतना थी उसको उससे प्रभावित होकर लिखा गया उपन्यास था। उसके बाद बामा शिक्षक भी कहीं ना कहीं वैसा ही उपन्यास था। परीक्षा गुरु को भी आप उसी रूप में रख सकते हैं। ये जो तीन श्यामा स्वप्न, तो ये जो चार उपन्यास हैं, ये चारों उपन्यास कहीं ना कहीं उस चेतना से प्रभावित होकर ही लिखे गए थे। दूसरी एक बात पीछे छूट गई, फिर उसको याद आ गई, बता दूं कि जब श्यामा स्वप्न लिखा गया तो नामवर सिंह ने एक इसको लेकर आलोचनात्मक लेख लिखा। उसने कहा कि दूसरे लोगों ने हिंदी उपन्यास को एक तरह से आयातित माना है, कि अब जिस तरह से नवजागरण का आंदोलन बंगाल से शुरू होकर हिंदी प्रदेश में आया, उसी तरह से उपन्यास को भी माना, कि उन्होंने शब्द जो प्रयोग किया हुआ है कि हमने उपन्यास को कलमी पौधे के रूप में देखा है। ठीक है, कलमी पौधे के रूप में देखा। कलमी पौधा का मतलब होता है कि वो जिसकी
मतलब जिसका डंठल लगाया जाता है, जिसकी जड़ नहीं होती, जड़ बाद में होती। लेकिन फिर उन्होंने जब उसका उसका विश्लेषण किया तो लिखा कि हिंदी में जो उपन्यास लिखे गए वह सीधे सीधे किसी भाषा से आए हुए उपन्यास नहीं थे। यानी कि हिंदी उसका उपन्यास विधा तो हमने ले ली, उपन्यास का स्ट्रक्चर तो लिया, लेकिन कंटेंट जो था वह फिर मैं कह रहा हूं कि हमने वहीं से उठाया जो हमारी चेतना से निकला था या जो जिस तरह जिससे समाज प्रभावित हो रहा था। क्या था वो सवाल? ये हिंदी नवजागरण। तो नवजागरण की जो चेतना थी वह उपन्यासों के मूल में थी। यानी सीधे सीधे कोई ऐसा उपन्यास नहीं लिखा गया जो सिर्फ और सिर्फ नवजागरण की व्याख्या करे, क्योंकि तो उपन्यास में कहानी होती है और व्याख्या नहीं होती। लेकिन इन सारे उपन्यासों के मूल में नवजागरण की ही चेतना थी और उनसे प्रेरणा वहीं से मिल रही थी। क्योंकि अगर नहीं मिलती तो स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उपन्यास नहीं लिखे जाते, राष्ट्रीय आंदोलन की अभिव्यक्ति इन उपन्यासों में नहीं होती। और जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए वह ऐतिहासिक उपन्यास अतीत की चीजों को ले आकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त नहीं करते। जी सर, धन्यवाद। सर एक प्रश्न जो विश्वविद्यालय हमारी एक कलीग ही कहिए, उन्होंने किया है कि फैंटेसी उपन्यास का एक उदाहरण, मतलब कोई एक उपन्यास का उदाहरण, किस उपन्यास को हम फैंटेसी उपन्यास कह सकते हैं और क्यों? बहुत कठिन सवाल है। देखिए मेरे हिसाब से कुछ रिश्ता जो है बाण भट्ट की आत्मकथा का वह मिलता है इसमें, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा और थोड़ा बहुत हिस्सा शेखर एक जूनी का, लेकिन मेरे मतलब ध्यान में हो सकता है ना आया हो कि कोई एक उपन्यास संपूर्ण रूप से फैंटेसी पर के रूप में लिखा गया हो। कविता की तरह फैंटेसी, जैसे मुक्तिबोध की अंधेरे में जो कविता है लिखी गई, उस तरह से सशक्त कोई उपन्यास मेरे ध्यान में नहीं। अगर आप लोगों के ध्यान में होगा तो मुझे भी बताइएगा। जी, सर बिल्कुल सर। नहीं, जहां तक बाणभट्ट की आत्मकथा की बात आपने की है, मैंने भी पढ़ा बाणभट्ट की आत्मकथा। हाँ, संपूर्ण नहीं लेकिन कुछ रूप में ये है कि उसमें फैंटेसी का बहुत कुछ बहुत हद तक उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वह एक बहुत सशक्त यथार्थवादी उपन्यास है, इसका इसको भी ध्यान रखना है। जी 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 बिल्कुल। इसी कड़ी में एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया है कि हिंदी सिनेमा में भी हिंदी उपन्यास से कंटेंट लिया जा रहा है, क्या उपन्यास से सिनेमा बनाने में प्रोत्साहन मिल रहा है या यह कुछ और है? मतलब जो सिनेमा में उपन्यास, आज के जो सिनेमा है उपन्यासों कहानियों से जो प्रभावित होते हैं, तो यह कहाँ तक उचित अर्थ है? बहुत अच्छा सवाल किया है विद्यार्थी ने। देखिए सिनेमाई यथार्थ और औपन्यासिक यथार्थ में बड़ा फर्क है। सिनेमाई अभिव्यक्ति में भी और औपन्यासिक अभिव्यक्ति में भी फर्क है। साहित्य की एक विधा के तौर पर उपन्यास सिनेमा को स्वीकार किया जाना चाहिए, मेरा भी मानना है कि उसको कर लेना चाहिए। लेकिन आप जैसे ही उपन्यास की बात करेंगे और उसकी संपूर्ण अभिव्यक्ति की बात करेंगे, शायद सिनेमा अपनी सीमा के भीतर उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाता या अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है और कहीं कहीं कर भी लेता है। जैसे फणीश्वरनाथ रेणु की एक कहानी पर एक फिल्म बनी थी, आप लोगों को ध्यान होगी, क्या नाम था उसका, तीसरी कसम। हेलो अभिषेक जी। जी सर, सर मुझे भी ध्यान नहीं है पुरानी। हाँ, तीसरी कसम, तीसरी कसम उस माले का गुलफाम, बहुत सशक्त फिल्म बनी। लेकिन गोदान पर भी एक फिल्म बनी, सीधे सीधे गोदान, मनोज कुमार ने उसमें अभिनय किया था। और जिस तरह का सशक्त उपन्यास है गोदान, उसके अनुरूप बहुत ही कमजोर फिल्म बनी। यानी फिल्मांकन में गोदान अपने असली रूप में उभर कर नहीं आया। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास के जो गोदान के जो प्लॉट थे उनको उठाया गया, जैसे गोबर वाले प्रसंग को, जब वो शहर से आता है, होरी के अंतिम समय को, होरी और उसकी पत्नी के संवाद को, गोबर के प्रेम को,
और राय साहब के कुछ पार्ट्स को उठाकर बनाया गया, लेकिन वह फिल्म बहुत ही छोटी और बहुत कमजोर फिल्म साबित हुई। मेरा यह कहना है कि सिनेमाई यथार्थ जो है उसकी एक सीमा है, यानी वह दर्शक की दृष्टि से बनता है और उपन्यास पाठक की दृष्टि से लिखा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि हम अगर यह समझेंगे कि कोई राग दरबारी पे सपोज फिल्म बनाए, या बाण भट्ट की आत्मकथा पर बनाए, या शेखर एक जीवनी पर बनाए, या जैनेन्द्र की सुनीता पर बनाए, तो क्या उसी रूप में अभिव्यक्ति हो सकती है जिस रूप में उपन्यास है? मेरा ख्याल है कि नहीं। उपन्यास सिर्फ कुछ प्लाट्स मुहैया करा सकते हैं सिनेमा को, लेकिन सिनेमा उपन्यास को पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसके अपने, अब 3 घंटे की फिल्म में पूरे उपन्यास को कैसे दिखाया जा सकता है? रामचरितमानस के 78 एपिसोड बने, उसी तरह गोदान के भी 40-50 एपिसोड बनेंगे, तो हो सकता है कुछ बन जाए, सीरियल बन सकता है, इन फिल्म नहीं पूरी तरह से बन सकती। जी सर, हाँ, सही एक जो सवाल इन्होंने इसमें एक और बात प्रोत्साहन के लिए किया है, तो मेरा कहना है कि हिंदी उपन्यास जब शुरुआती दौर में, यानी स्वाधीनता से पहले और स्वाधीनता के कुछ समय बाद का उपन्यास थे, वो जरूर फिल्मों को प्रोत्साहित करते थे। अब के जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं हमारे दौर के, खासकर स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और तमाम विमर्शों पर केंद्रित और बहुत ही संकुचित दायरे में समाहित होकर, ये उपन्यास अब फिल्मों के विषय नहीं रह गए हैं। फिल्मों के विषय बिल्कुल बदल गए हैं और लगभग फिल्में साहित्यिक विषयों से अलग हो चुकी हैं, और अब कह लीजिए कि 100% व्यावसायिक फिल्में बन रही हैं, कला फिल्में नहीं बन रही, और व्यवसाय केंद्रित जो फिल्में हैं वो साहित्य के साथ नहीं जुड़ पाती, और आज का साहित्य भी वैसा नहीं है जो फिल्मों को मार्गदर्शन दे सके या फिल्में उससे प्रभावित हो सके। और कोई सवाल? जी सर, बिल्कुल सही कहा। नहीं, इसमें आपकी बात में मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उसमें एक चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा, जहां हम देखते हैं साहित्य हो या चाहे उपन्यास, कहानी, नाटक की बात जब हम करते हैं साहित्य में, तो एक चीज देखते हैं कि आजादी से पहले या आजादी के कुछ वर्ष बाद तक भी साहित्य का माध्यम हुआ करता था कि वो समाज को जागृत करती थी किसी भी विषय, आजादी से पहले आजादी के लिए, आजादी के बाद बहुत सारे कारण रहे हैं देश में, आंतरिक कारण, उसके लिए लोगों को जागरूक करने का एक माध्यम रहती थी, जिसको लेकर के, जिसकी पटकथा उठा करके फिल्म वगैरह, सिनेमा वगैरह में इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन आज के दौर में जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, तो सिनेमा एक तरह से व्यवसाय बन गया है, उसे ना तो साहित्य के पटकथा से मतलब है, ना ही साहित्य के उद्देश्य से मतलब है। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही रह जाता है कि किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय करें। तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपने जो बात की। उदाहरण देख सकते हैं कि प्रेमचंद शुरुआती दौर में, जब प्रेमचंद ने को मौका भी मिला कि वो बम्बई जाकर लिखना शुरू किए, एकाध दो फिल्मों के लिए उन्होंने लिखा भी, उसके बाद वो सब छोड़ छाड़ के वापिस से आ गया, वापिस से अपने साहित्य में जुड़ गए। उनका भी ये कहना था कि यहाँ पे मेरी पटकथा या साहित्य का उद्देश्य सब पूर्ण नहीं होगा, यहाँ उद्देश्य पूर्ण होगा सिर्फ और सिर्फ धन कमाने की या यश कमाने का। नहीं, एक चीज और इसमें हमको समझ लेना चाहिए कि कुछ साहित्यकारों ने अपना हाथ आजमाया, उनको सफलता भी मिली, जैसे राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी, नरेंद्र शर्मा, और भी कई लोगों ने कोशिश की। और एक चीज विद्यार्थियों के लिए बहुत रोचक जानकारी बता दूं, हालांकि कई विद्यार्थी चले गए हैं, अब सिर्फ 16 लोग ही बचे हैं, कि जो पहले की फिल्में थी ना, हिंदी सीखने के लिए बहुत बड़े स्रोत हुआ करती थी, आज भी है। पहले के गाने, जैसे गानों का जो प्रयोग होता था, शुद्ध व्याकरणिक प्रयोग होता था, यानी हवा चल रही है, खिड़की खुली है, अब हवा चल रहा है, खिड़की खुल गया है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पहले के आप गाने सुनेंगे, पुराने गाने 80 के दौर के या 80 से पहले के दौर के, 90 से पहले के दौर के, किसी भी गाने में व्याकरणिक गलती आपको नहीं मिलेगी। दूसरा कि हिंदी के सही, सटीक और व्यवस्थित शब्दों का प्रयोग संवाद में होता था। अब लगभग हिंदी खत्म हो चुकी है फिल्मों से, हिंदी फिल्में हैं नाम के लिए है, लेकिन जो संवाद लिखे जा रहे हैं, जिस तरह के संवाद लिखे जा रहे हैं और जिस तरह के गाने लिखे जा रहे हैं, उससे हिंदी गायब है। ठीक है,
और जब हिंदी गायब है तो इसका मतलब कि लेखक भी वैसे नहीं है, लेखक भी गायब है। पिछले 5 साल के हिंदी गानों को उठा के फिल्मों के गानों को देख लीजिए, और 80 से 85 तक के गानों को देख लीजिए, 90 से 95 या 90 से पहले के दौर के, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर आया है। हालांकि इसे बहुत सारे लोग विकृति भी कह रहे हैं, मैं विकृति नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हर विधा का अपना परिवर्तन होता है, वो परिवर्तित हो रही है, अपने तरीके से चीजों को अभिव्यक्त कर रही है। ठीक है जी 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 सर। इसमें एक प्रश्न और एक विद्यार्थी ने पूछा है कि कहानी और उपन्यास और में सवाल क्या फर्क है। जी सर, एक विद्यार्थी ने पूछा है कि कहानी और उपन्यास में क्या फर्क है, उसके कुछ मूल फर्क अगर आप बता दें जो महत्वपूर्ण फर्क होते हैं कहानी और एक उपन्यास में। देखिए, कहानी उपन्यास में जो बेसिक अंतर होता है वह है कि कहानी किसी एक पात्र को केंद्रित करके लिखी जाती है, ठीक है ना, लेकिन उपन्यास में उस पात्र के कई आयाम होते हैं और उसके साथ कई पात्र जुड़ जाते हैं, पहली बात। दूसरे की कहानी का प्लॉट छोटा होता है, उपन्यास का प्लॉट बड़ा होता है। तीसरा कि कहानी का जो वैचारिक विस्तार होता है वह एक पक्ष को लेकर चलता है, यानी एक जगह से शुरू होगा और एक जगह पर खत्म होगा, एक निश्चित दूरी तय करेगा। उपन्यास उसको विस्तार देता है, वो जरूरी नहीं कि वो खत्म ही करे, विस्तृत करता है। और भी कई सारे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो उपन्यास कहानी को, हालांकि यह बहुत विवादित सवाल भी है कि कई ऐसी ऐसे उपन्यास हैं जो कहानी के बराबर ही है, कई ऐसी लंबी कहानियां हैं जो उपन्यास से बड़ी ही हैं, तो उनको क्या कहा जाए, तो एक तरह से विवाद भी है, लेकिन मोटे तौर पर हम इसे इसी तरह से लेते हैं। एक और सवाल आया है सर, एक विद्यार्थी पूछ रही है कि उपन्यास में जो नायक तत्व है उसकी नायकत्व की संकल्पना क्या है। जी देखिए, नायक उपन्यास का आधार बिंदु होता था, यानी नायक प्रधान उपन्यास लिखे जाते थे। कब तक? जब तक आंचलिक उपन्यासों की संकल्पना नहीं हुई थी। आंचलिक उपन्यास जब लिखे जाने लगे तो लगभग नायक मतलब कई नायक उसमें हो गए, एक नायक किसी एक को नायक कह देना बड़ा मुश्किल हो गया। यानी 1950 के बाद का जो दौर है उस दौर तक, और नायक की संकल्पना जो थी वह उपन्यास को मतलब बड़ा करते थे। दूसरा है कि पूरा का पूरा एक जीवन वृत्त होता था, जैसे कहानी और उपन्यास में अभी किसी बच्चे ने पूछा था अंतर, तो उसका एक यह भी अंतर है कि किसी भी नायक के जीवन के किसी एक पक्ष को उठाया जाता है कहानी में, और उपन्यास में उसका लगभग संपूर्ण जीवन आ जाता है, और जिसका संपूर्ण जीवन आ जाता है वही नायकत्व की संकल्पना होती है, जीवन के विविध पक्ष को उठाया जाए। और कहीं ना कहीं भारतीय साहित्य या कह लीजिए कि अपने प्राचीनतम साहित्य से प्रभावित भी है। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। सर, एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा अपनी ओर से इसमें जोड़ता हूँ कि जब हम देखते हैं उपन्यास की बात करते हैं तो उपन्यास को हम लोग मुख्य रूप से 3 कालखंडों में विभाजित कर देते हैं, कि 3 कालखंडों में हम विभाजित करते हैं, एक प्रेमचंद पूर्व युग हो गया, एक प्रेमचंद का युग हो गया, एक प्रेमचंद उत्तर या प्रेमचंद के बाद वाले युग। तो जो शुरुआत के जो 2 दौर में प्रेमचंद पूर्व युग हुआ या प्रेमचंद युग युग हुआ, वहाँ पे उपन्यास जो थे वो उपन्यास नियमित रूप से लिखे जा रहे थे, बहुत बेहतरीन लिखे जा रहे थे, उसमें ज्यादा भिन्नताएं देखने को भिन्नता मिलती थी, लेकिन अपनी पटकथाओं के रूप में। वही हम लोग जब प्रेमचंद काल के बाद की उपन्यास देखते हैं तो उसमें उपन्यास के बहुत सारे सामाजिक उपन्यास हो गए, साम्यवादी उपन्यास, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, प्रयोग या आधुनिक बोध के उपन्यास। तो इन तरह से उपन्यासों का वर्गीकरण उस दौर में नहीं हुआ, इस दौर में हो रहा है,
इसे हम लोग किस हिसाब से लें, क्या उस दौर में इस इतने प्रकार की इतनी वैरायटी नहीं थी उपन्यासों में, आज जो है, या उस समय के उपन्यासों का वर्गीकरण उस देखो हद तक नहीं हो पाया जो आज हो रही है, तो देखो इस पर सर मैं आपका जस्ट थोड़ा सा दृष्टिकोण चाहूंगा। देखिए, मैंने जब मैं बात कर रहा था तो आपको बताया कि जैसे जैसे भाषा मजबूत हुई है, ठीक है ना, और जैसे जैसे लेखकों को नई दृष्टि मिली है, वैसे वैसे उपन्यासों के कंटेंट में और शैली में बदलाव हुआ है। जो प्रारंभिक उपन्यास थे वह विचार प्रधान उपन्यास थे। ध्यान रखिए कि किसी न किसी वैचारिकता से, किसी न किसी आंदोलन से प्रभावित उपन्यास थे। बाद के जो उपन्यास हुए वह चरित्र प्रधान उपन्यास है, यानी प्रेमचंद का जो समय है वह चरित्र प्रधान उपन्यासों का दौर है। अगर कोई भी चरित्र, निर्मला का भी चरित्र खड़ा करते हैं, सुमन का खड़ा करते हैं, या रंगभूमि के सूरदास का खड़ा करते हैं, तो कौन चरित्र के इर्द गिर्द कर बात रहा करेंगे। है? शोर आ रहा है पीछे से। लेकिन बाद का जो के जो उपन्यास है वह उसमें सारी चीजें मिक्स हो गई। जैसे मैं फिर उदाहरण दूंगा राग दरबारी का। राग दरबारी में कोई ऐसा चरित्र है जो कह सकते हैं कि इसी चरित्र पर यह उपन्यास लिखा गया है, या महिला आंचल है कोई? तो बाद में जो उपन्यासों की बहुत सारी वैरायटी आई है, उसका कारण यह है कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा औपन्यासिक आधार था, जो उनको उससे अलग होने के लिए बहुत बड़ी पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। मैंने कहा था कि प्रेमचंद जिस यथार्थ की भूमि पर खड़ा होते हैं, उस यथार्थ की भूमि को तैयार करने वाले तिलस्मी उपन्यासकार हैं। सब उपन्यास प्रेमचंद हिंदी में लिखते हैं, नहीं तो प्रेमचंद उर्दू के लेखक थे। उसी तरह से जहां से उपन्यास विस्तृत होता है, जैसे जैसे विस्तृत होता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे की जो पूरी की पूरी परंपरा है वह उसे उसके आधार के रूप में खड़ी रहती है, और उससे वो प्रेरित होकर फिर आगे का एक नई नए दौर को, नई चीजों को शामिल करता है। दूसरा कि उपन्यास बिल्कुल समाज केंद्रित विधा है, तो समाज में जिस तरह के बदलाव होंगे, जैसे कि आप प्रेमचंद के दौर या प्रेमचंद के पहले के दौर के उपन्यासों को देख लिए, तो संबंध विच्छेद के उपन्यास आपको बहुत कम मिलेंगे, या उपन्यासों में संबंध विच्छेद रेयर मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। लेकिन आज के दौर को के उपन्यासों को देखिए, 80 के बाद के उपन्यासों को देखिए, 90 के बाद के उपन्यासों को देखिए, बड़े पैमानों पर संबंध विच्छेद पर उपन्यास लिखे गए। पहले संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवार के विघटन पर उपन्यास लिखे गए, फिर संयुक्त परिवार से एकल परिवार हुए, एकल परिवारों को आधार बनाकर उपन्यास, एकल परिवार से सिर्फ पति पत्नी रह गए वहां तक उपन्यास। अब पति पत्नी के विच्छेद के बाद जो उनका बच्चा है और दूसरा पति दूसरी पत्नी, इन चरित्रों को इस तरह के पारिवारिक संरचना के उपन्यास लिखे जाने लगे हैं। तो मेरा ये कहना है कि उपन्यास कोई बाहर से उठाकर नहीं लाया जाता, हमारे समाज में जो चीजें रहती हैं उपन्यासकार उसी को उठाने की कोशिश करता है, और जिस जिस दिशा में हमारा समाज चलता है उपन्यासकार भी उसी दिशा की तरफ बढ़ता है और उन्हीं चीजों को उठाता है। जी सर, धन्यवाद सर। एक अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा, उसके बाद विद्यार्थियों को मैं मौका दूंगा कि वो सीधे तौर पर भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछेंगे। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि जब हम बात करते हैं नवजागरण युग की, तो एक दो चीजें कही जाती है कि नवजागरण का जो शुरुआत है वो हम अगर देखें तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की किताब महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण जो 1977 में आई, वहां पे हमें सबसे पहले नवजागरण को देखने को मिलता है। उसी में वो कहते हैं कि नवजागरण का जो जहाँ से नवजागरण प्रेरित हुई है, इसे हम एक तरह से 15वीं शताब्दी में जो सांस्कृतिक या कहें एक तरह से जो भक्तिकालीन जो क्रांति हुई उस दौर से भी ले सकते हैं। वही एक दूसरा मत यह है कि जब अंग्रेजों का शासन हो गया था तो उनके उनके जो नॉवेल या उपन्यास उधर से जो आते थे उसका देखा देखी या उससे बहुत ज्यादा प्रेरित होकर के नवजागरण का उदय हुआ या भारत में नवजागरण आई, तो उसमें नवजागरण के संदर्भ में यूरोपीय संदर्भ या भारत के बाहर के जो संदर्भ रहे, जिसे हम अंग्रेजी संदर्भ या किसी और भी संदर्भ में कह सकते हैं, वो किस प्रकार से देखते हैं, उसने नवजागरण को कितना ज्यादा प्रभावित किया है। देखिए,
रामविलास शर्मा ने जिस पुस्तक में इसका सबसे व्यवस्थित जिक्र किया वह महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण थी। हेलो जी सर, जी सर, हेलो, सुन रहा हूँ। आप अपने माइक मत बंद करिए, मैं बोलता रहूंगा, बीच बीच में बोलते रहिए। जी जी तो ठीक। रामविलास शर्मा जिस नवजागरण की व्याख्या जैसी करते हैं वह जी व्याख्या ठीक है। देखिए कि आप नवजागरण के दो उदाहरणों को याद करिए कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को क्या कहा था कि अगर भक्ति काल इस्लाम कैसे पराजित भारत की पराजित जनता की मानसिकता का परिणाम है, कुछ इस तरह से कहा था ना जी 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 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जी सर, जी और सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे कहा कि अगर इस्लाम भारत में नहीं आया होता तो भी भक्ति काल का 12 आना वैसा ही होता जैसा है। बिल्कुल यानी स्वप्रेरित भारत में कोई भी सांस्कृतिक बदलाव जिसको हम जानते हैं और जिसको हम नहीं जानते हैं अभी, वह समय के साथ हमारे बीच से ही निकला है। आधुनिक काल का जो नवजागरण है वह अगर ऐसा है तो 3 प्रेसिडेंसी जो बनी, मैंने पीछे जिक्र किया था नवजागरण के संदर्भ में, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी। लेकिन आंदोलन कहाँ पैदा हुआ? 1857 का आंदोलन कहाँ हुआ? क्या 1857 का आंदोलन बंगाल में हुआ या चेन्नई में हुआ या बंबई नहीं। में हुआ? कहाँ हुआ? हिंदी पट्टी में हुआ, नितांत हिंदी पट्टी में, जहां से उसका कोई संबंध नहीं था। क्या जी ये लोग अंग्रेजी उपन्यासों से प्रभावित थे क्या, या अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित थे? ना, और विरोध किसके बीच हुआ? किसानों के बीच हुआ और सेना के बीच हुआ। सेना के नौजवान कौन थे? किसानों के बेटे थे। क्या वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके गए थे क्या? तो रामविलास शर्मा ने जो जिन मुद्दों को उठाया है, जिस तरह से उठाया है, वह यही है कि यह पूरा का पूरा जो परिवर्तन था वह हमारे हमारा अपना था और हमारे अपने बीच से उठा। एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि हम थोड़ी देर के लिए यह जरूर स्वीकार कर सकते हैं यह आंदोलन एक प्रतिक्रियात्मक आंदोलन था, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप उठा। यहां तक तो स्वीकार किया जा सकता है कि अंग्रेजी शासन के प्रतिरोध में यह आंदोलन पैदा हुआ, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के कारण पैदा हुआ, और मैं कम से कम इसको इसको नहीं मानता, मेरा ऐसा मानना नहीं जी, सर, धन्यवाद सर। है। ठीक अब है, या जी और सर, कुछ इसमें, नहीं, अब मैं आप मैंने विद्यार्थियों इसमें से और कुछ अनुरोध, बता? नहीं, सर, मैं इसमें क्लियर हो गया। मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि वो सीधे तौर पर अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो अपने माइक को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे डायरेक्ट सर से तो वो अपना माइक अनम्यूट करके अपने प्रश्न सामने से पूछ सकता है। हेलो हाँ, हेलो जी, सर। जी, मैं इतिहास में जो पढ़ा था, नवजागरण जो राजा राममोहन राय के समय में हुआ था उसका ही वर्णन किया। नवजागरण होगा पतिदाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा, विरोध, अठारह वही चीज है कि नवजागरण हिंदी में। हेलो। सिंह जी इनका सवाल नहीं आ पाया पूरा। जी, मैं समा आप अपना माइक अनम्यूट कर अपना माइक म्यूट कर सकते हैं असित पानिग्राही जी। मैं आपका सवाल दोहरा देता हूँ सर के लिए। सर, उन्होंने यह पूछ रहे हैं कि जो नवजागरण काल, उन्होंने जैसे कहीं पढ़ा है उसी के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि नवजागरण काल की प्रेरणा क्या हम यह मान सकते हैं कि राजा राममोहन राय द्वारा जो सती प्रथा को रोका गया, या उस दौर में जो ब्रह्म समाज या एक है केशव चंद्र सेन और उनका प्रार्थना समाज, या दयानंद सरस्वती, ये जो भी कुप्रथाएं समाज में चल रही थी, छुआछूत, जाति भेद, इन सबसे कहीं प्रेरित हुआ है क्या? वो ये पूछ रहे हैं कि नवजागरण क्या इन सबसे प्रेरित हुआ है। आवाज कट रही है भाई, क्यों? हेलो, जी सर, आवाज आई अब? आवाज आ रही?
हाँ मेरी आ रही है जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है आशीष जी, देखिए ये सब चेतना के बदलाव के बिंदु हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, वह उस समय की चेतना का एक पक्ष था, और मैं मेरा मानना है कि वह कहीं किसी यूरोपीय शिक्षा पद्धति से निकला हुआ नहीं था, वह भारतीय समाज व्यवस्था का एक हिस्सा था, हमारे पारिवारिक प्रेम का एक हिस्सा था जहां से वो निकला। हाँ अंग्रेजों ने उस पर कानून जरूर बनाया और उसे सती प्रथा को अपराध घोषित किया, लेकिन उसकी शुरुआत किसने की, शुरुआत हमारे परिवार से हुआ। मैं फिर जो बात नवजागरण के संदर्भ में दोहराया कि वह हमारे अपने बीच से निकला हुआ आंदोलन था, सती प्रथा को समाप्त करना, विधवा विवाह को शुरू करना, बाल विवाह पर रोक लगाना, और भी बहुत सारी चीजें जो प्रारंभिक उपन्यास है उसमें भी विवाह की उम्र को लेकर उपन्यास में बकायदे डिस्कशन है कि विवाह की उम्र लड़के की 10 साल होनी चाहिए, 12 साल होनी चाहिए, 14 साल होनी चाहिए, 16 साल होनी चाहिए, लड़की की कितनी होनी चाहिए। तो यह सारी चीजें हमारे अपने बीच से निकली हुई है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं, और आप इसको लिख लीजिए कि नवजागरण की चेतना का प्रभाव राजा राम मोहन राय पर था, और राजा राम मोहन राय का प्रभाव आगे के विचारकों पर पड़ा। जी जी सर, धन्यवाद सर। और कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहे, उनकी कोई जिज्ञासा हो तो। नमस्ते सर, मेरा नाम ग्लोरी है, और मैं सर यूरोपीय उपन्यास के बारे में जानना चाहती हूँ थोड़ा। इसके बारे में, यूरोपीय उपन्यास के बारे में, यूरोपीय उपन्यास, यूरोपीय उपन्यास का कौन सा कालखंड जानना चाहते हैं सर? जैसे हमारे यहाँ सामाजिक सांस्कृति चेतना को लेकर उपन्यास प्रेरित हुआ लिखने के लिए, तो वैसे यूरोपीय उपन्यास का ऐसा कौन सा चीज था जो उपन्यास का मेन जो बोलना चाहिए कि प्रेरणा स्रोत था? संबंधों में बदलाव सबसे पहला उस समय के जो उपन्यास का जो सबसे बड़ा प्रभाव था वही है कि यूरोप में जब ध्यान रखिए कि नवजागरण कोई भी ऐसा नहीं हुआ है विश्व परिदृश्य पर जिसके केंद्र में धर्म न रहा हो। यूरोपीय नवजागरण के केंद्र में भी धर्म ही था। पूरी तरह से धार्मिक सत्ता लोगों पर, धार्मिक सत्ता का जब नियंत्रण हो गया, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो धर्माधिकारियों का जब नियंत्रण हो गया, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। अभिषेक जी, हाँ, तो यूरोप के में जो उपन्यास लिखे गए वे उपन्यास औद्योगिकरण के बदलाव के बाद जो नया समाज बना और जो नए सामाजिक संबंध बने, उन संबंधों की अभिव्यक्ति उस दौर के उपन्यासों में हुई है, प्रारंभिक उपन्यासों में। अगर ये मान लीजिए कि अगर औद्योगिकरण नहीं होता तो शायद विश्व के पटल पर उपन्यास नहीं आता। तो यूरोपियन औद्योगिकरण और उसके केंद्र में, औद्योगिकरण के केंद्र में क्या था, वहां जो नवजागरण हुआ, नवजागरण के केंद्र में धर्म था। यानी मिशनरियों और पोप और उन लोगों के द्वारा जिस तरह से पूरे तरह से समाज को जकड़ रखा था, उससे जब समाज छोटा तो एकदम नए रूप में सामने आया, और जो औद्योगिक बदलाव हुए उसमें लोग एक दूसरे से मिले, नए संबंध बने, और उन्हीं संबंधों की अभिव्यक्ति उपन्यासों में हुई है। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर। अंतिम में कोई, अंतिम एक प्रश्न जो कोई विद्यार्थी पूछना चाहे, उसके बाद फिर हम आज की कक्षा का समाप्त करेंगे। अंतिम में कोई विद्यार्थी के पास कोई प्रश्न हो तो।
कोई विद्यार्थी शायद विद्यार्थियों का प्रश्न न हो, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सर अंतिम में, उसके बाद आज के हम लोग की कक्षा समाप्त करेंगे। एक प्रश्न, जब हम साहित्य उपन्यास की जब बात करते हैं तो जानते हैं साहित्य के ही ये सब एक तरह से शाखाएं हैं। एक चीज मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि भारतीय साहित्य का जो विषय है, साहित्य में यहाँ पर ये कर रहा हूँ, मैं भारतीय उपन्यास की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं भारतीय साहित्य का विषय जो है वह, या एक सेकंड क्वेश्चन और एक बार दोहरा देता हूँ कि भारतीय साहित्य का एक विषय से संबंध सर यहाँ पे उपन्यास से है, मैं उपन्यास की बात कर रहा हूँ, जैसे भारतीय साहित्य का एक अंग है उपन्यास, क्या उपन्यास जो हिंदी में या एक भाषा में जो लिखे गए हैं वो अनुवादित उपन्यास को उचित, मतलब वो दोनों के समान रूप से एक साथ बढ़ सकते हैं, या अनुवादित उपन्यास की श्रेणी को हम अच्छा मानेंगे या जो स्वभाषा में लिखी गई है उस उपन्यास को बेहतर मानेंगे। जैसे हिंदी के उपन्यास की बात करते हैं, हिंदी में बहुत सारे उपन्यास लिखी है, बहुत बेहतरीन उपन्यास लिखी गई है, और कई सारे उपन्यासों का जो कि आंचलिक भाषाओं में भी लिखा गया है जिसका अनुवाद हुआ हिंदी में, तो वो अनुवाद वो उपन्यास की कसौटी पर क्या हिंदी भाषी उपन्यासों के साथ खड़े उतरते हैं? ये देखिए, अनुवाद को लेकर हमेशा एक विवाद रहा है, लेकिन भारतीय साहित्य के बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं विश्व साहित्य के जिनका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ठीक है ना। अब ये अनुवादक के ऊपर है कि अनुवादक उपन्यास के भावभूमि को किस तरह से अनुदित भाषा में स्पष्ट करता है, या कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे यूरोपियन लिटरेचर जितना भी है वो अंग्रेजी में नहीं लिखा गया है, कोई जर्मन में लिखा गया है, कोई रशियन में लिखा गया है, कोई किसी और भाषा में लिखा गया है, कोई अफ्रीकन में लिखा गया है, लेकिन सबका अनुवाद अंग्रेजी में आया है और हम लोगों ने अनुवाद ही पढ़ा है ज्यादातर। विश्व साहित्य लगभग अनुवाद पर ही टिका हुआ है, उसी तरह से भारतीय साहित्य भी, भारतीय साहित्य के अनेक उपन्यास हैं जो हिंदी में हम लोग पढ़ रहे, जैसे आनंद मठ हुआ, दुर्गेश नंदिनी हुआ, और बंगला के अलावा मराठी के बहुत सारे उपन्यास हैं, उड़िया के उपन्यास हैं, गुजराती के सरस्वती चंद्र है, तो ये गुजराती में लिखा गया था लेकिन अनुवाद हम पढ़ रहे हैं, तो अनुवादक अगर सक्षम है तो वह उपन्यास के उसी भावभूमि से आपको उसी भावभूमि में आपको उतार सकता है। जी सर, बहुत बहुत यही आपका सवाल था ना? जी सर, यही मेरा सवाल था कि जैसे अनुवाद की एक दौर चल चुका है कि आजकल उपन्यासों का या कहानियों का साहित्य का अनुवाद होता रहता है, तो बस यही मेरा प्रश्न था कि अनुवाद की गई साहित्य या जो अपने स्वभाषा में लिखी गई साहित्य, उन दोनों में कितना, मतलब दोनों के एक कसौटी पे खड़े होते थे, यही मेरा प्रश्न था सर। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर। और कोई विद्यार्थी है? धन्यवाद आप सभी को भी। जी सर नहीं, मैं अंतिम किसी को ले लेता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहे, क्योंकि हम मेरी बातचीत बहुत ज्यादा हो गई, विद्यार्थी को समय ना मिल पाया, तो अंतिम में कोई विद्यार्थी कुछ पूछना चाहिए, हम आज की कक्षा को समाप्त करें। जी सर, धन्यवाद सर आपका मूल्यवान समय देने के लिए, और मैं अपनी ओर से, अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो हमारा पेपर था हिंदी उपन्यास, उस पर बहुत ही बारीकी से चर्चा की, विद्यार्थियों को भी आज की कक्षा पसंद आई होगी, और इसी तरह निरंतर सर आपका साथ और आशीर्वाद हम पे और हमारे विश्वविद्यालय पर निरंतर बना रहे इस आशा के साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी, और जब भी आप लोग याद करेंगे मैं उपस्थित रहूंगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप विद्यार्थी भी अपनी आज की कक्षा समाप्त हुई, और हमारी अगली कक्षा जो कि कल है, और कल इसी समय हमारी कल की कक्षा कल 3:30 को है, माफी चाहूंगा, कल हमारी कक्षा 3:30 से 5 बजे की कक्षा है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में और समय पर कल की कक्षा में उपस्थित हों, अपने जो भी जिज्ञासा वगैरह है वो कल के कक्षा संबंधित वो कल की कक्षाएं पूछे, और आज की कक्षा समाप्त हुई, आप लोग अपनी ओर से आज अपना फोन काट सकते हैं। धन्यवाद। राधाकांत सर? जी सर। हाँ सर, एंड करूंगा सर। हाँ ठीक हो चे। The class is over now. थैंक यू राधाकांत सर, वो अनंत सर।
फॉर योर टेक्निकल थैंक यू सर आज्ञा सर आपन को भी धन्यवाद सर सर रेकॉर्डिंग टा एमती काटी देला परे रेकॉर्डिंग रही जीव तो रेकॉर्डिंग टा अभिषेक सा कर जंते से तांको एंड्रू करबे सेटा ओके सर हाउ ठीक अछि ओके सर एबे गोटे लिंक सर जनरेट कर थांदे कर जंतु किछ असुविधा नै सर म आपन उरे फोन करछि आपन मते जणैबे हां हां बिल्कुल हाउ ठीक अछि ओके